स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जी सुपर फास्ट में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बेसिक नॉलेज ऑफ कंक्रीट के बारे में जाना, कंक्रीट होता क्या है, कंक्रीट के कंपोजिशन कौन कौन से हैं। बेसिक नॉलेज में कंक्रीट का हम लोग डिफिनेशन जाने थे। कंपोजिशन ऑफ कंक्रीट में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर के बारे में हम लोग जाने थे कि सीमेंट का प्रॉपर्टीज क्या है, सीमेंट होता क्या है, सीमेंट के कंपोजिशन कौन कौन से हैं, ये सब हम जाने थे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सीमेंट का जो टेस्टिंग है वो कितने प्रकार का होता है और इसे हम कैसे टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे वीडियो पे यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि टेस्टिंग ऑफ सीमेंट होता क्या है, इसे कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं। तो वी हैव टू इम्पोर्टेंट टेस्ट, हमारे पास जो है वो दो इम्पोर्टेंट टेस्ट है जिसे हम सीमेंट का टेस्ट कर सकते हैं। पहला है फील्ड टेस्ट और दूसरा है लेबोरेटरी टेस्ट। फील्ड टेस्ट मतलब कि हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे कर सकते हैं, जब हम सीमेंट का बैग खरीदने जाते हैं किसी दुकान में तब भी कर सकते हैं। मतलब कि इसे हम बिना किसी दिक्कत के ऐसे टेस्ट हम कर सकते हैं। तो फील्ड टेस्ट के बारे में हम जानेंगे, फील्ड टेस्ट होता क्या है, फील्ड टेस्ट को कैसे हम जानेंगे, कैसे करते हैं, और सीमेंट के बारे में ये हम जानेंगे कि सीमेंट कैसा है, अच्छा है, कंस्ट्रक्शन लायक है या नहीं है, उसमें जो मजबूती है वो है कि नहीं है। तो चलिए फील्ड टेस्ट के बारे में जानते हैं कि फील्ड टेस्ट होता क्या है। फॉलोइंग आर द फील्ड टेस्ट, पहला जो टर्म है कि हम फील्ड टेस्ट कैसे करते हैं, तो पहला टर्म है व्हेन ओपन द बैग देन कलर ऑफ सीमेंट शुड बी ग्रे और लाइट ग्रे। मतलब जब हम सीमेंट का बैग खरीदने जाएंगे किसी भी दुकान पे तो सबसे पहले सीमेंट का बैग हम खोल के देखेंगे कि सीमेंट का कलर कैसा है। यदि सीमेंट का कलर ग्रे और लाइट ग्रे होता है तो समझेंगे कि वो सीमेंट अच्छा क्वालिटी का है, मतलब कि उसमें सीमेंट में मजबूती बना हुआ है और सीमेंट कंस्ट्रक्शन लायक है। दूसरा जो टर्म है वह है व्हेन हैंड थ्रस्ट इन ए सीमेंट बैग देन इट शुड बी कूल। जब हम सीमेंट बैग में अपना हाथ डालेंगे तो सीमेंट जो होना चाहिए वह ठंडा होना चाहिए, ना कि सीमेंट गर्म महसूस हो। यदि आपको सीमेंट ठंडा महसूस नहीं हो रहा है, वो सीमेंट गर्म महसूस हो रहा है, इसका मतलब कि वो सीमेंट में कमियां आ चुकी है, सीमेंट का जो मजबूती है, स्ट्रेंथ है, वो कम हो चुका है। बिना जानकारी के आप सीमेंट तो यूज कर सकते हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन जब आप कीजिएगा तो वो मजबूती नहीं आ पाएगा जो सीमेंट आपको जो महसूस होगा ठंडा उसमें। तीसरा जो टर्म है व्हेन सीमेंट रब्ड बिटवीन टू फिगर्स देन इट शुड बी फाइन पाउडर फ्रॉम एंड देयर इज नो क्रिस्टल पार्टिकल। जब हम सीमेंट को अपने हाथों में लेकर ऐसे दोनों को रगड़ेंगे तो सीमेंट जो होना चाहिए मुलायम होना चाहिए, फाइन पार्टिकल होना चाहिए, ना कि सीमेंट में खुदरापन आना चाहिए, सीमेंट ऐसे बन जाता है ढेला टाइप का बन जाता है ऐसे, ये नहीं होना चाहिए। तो सीमेंट जो होना चाहिए वो मुलायम होना चाहिए, तब हम उस सीमेंट को अच्छा क्वालिटी का सीमेंट कहेंगे। चौथा टर्म जो है वो है व्हेन हैंड थ्रस्ट इन ए बैग देन इमर्स इन ए वाटर बकेट देन सीमेंट विल बी फर्स्ट फ्लोट एंड देन समटाइम्स इट विल सिंक। मतलब कि जब हम सीमेंट को लेकर किसी छोटे से ग्लास में या किसी बाल्टी में थोड़ा सा सीमेंट लेकर यदि हम उस बाल्टी में पानी भरकर उसमें सीमेंट को हम डालते हैं तो सीमेंट जो है वह पहले उस पर तैरना चाहिए और फिर धीरे धीरे सीमेंट
अंदर बाल्टी के तली में जाकर बैठ जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, सीमेंट को हम बाल्टी में डालते हैं और वह अचानक मतलब कि एकदम सा बैठ जाता है, टाइम नहीं लगता है उसको बैठने में, तो समझेंगे कि वो सीमेंट अच्छा क्वालिटी का नहीं है। तो ये था हमारा फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट कैसे करते हैं, हमको लगता है कि आप लोग भी इसको आसानी से जांच सकते हैं कि सीमेंट अच्छा क्वालिटी का होना है या नहीं है। इसके अलावा यदि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, सीमेंट को हम जब भी खरीदने जाएं तो सबसे पहले सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग डेट देखें। यदि सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं उस दिन तक 3 मंथ होना चाहिए। 3 मंथ के अंदर का अगर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो समझेंगे कि वो सीमेंट यूज करने लायक है। यदि 3 माह से ज्यादा हो चुका है मैन्युफैक्चरिंग डेट से, तो वह सीमेंट उतना स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा जितना कि उस 3 माह के अंदर वाला सीमेंट गेन करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो आप भी जब भी जाइए सीमेंट खरीदने तो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए। तो ये था हमारा फील्ड टेस्ट। अब बात करते हैं हम लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट होता क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। कितने प्रकार के लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, तो चलिए लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में हम जानते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में पहला टेस्ट जो होता है वो फाइनेस सीमेंट टेस्ट होता है। दूसरा जो टेस्ट होता है कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट होता है। तीसरा होता है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट होता है। चौथा जो होता है साउंडनेस टेस्ट होता है। और पांचवा जो है वह कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट होता है। अब ये फाइनेस टेस्ट होता क्या है, कंसिस्टेंसी टेस्ट होता क्या है, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट होता क्या है, साउंडनेस टेस्ट होता क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट टेस्ट होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि फाइनेस टेस्ट होता क्या है। फाइनेस मतलब कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। यह जो होता है ना, प्रॉपर ग्राइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका लैब प्रोसीजर भी बहुत है, लेकिन फिलहाल हम इसका बेसिक चीज जानेंगे, उसके बाद लैब प्रोसीजर जानेंगे। तो फाइनेस टेस्ट हो गया, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। दूसरा जो टर्म है कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट होता है क्या है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट कहता है अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीमेंट पेस्ट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। भाइकेट अपरेटस यूज टू फाइंड कंसिस्टेंसी टेंस। जो कंसिस्टेंसी टेंस होता है वो अमाउंट ऑफ वाटर, सीमेंट के लिए कितना वाटर चाहिए, यह उस टेस्ट में निर्धारित किया जाता है। और जो कंसिस्टेंसी टेंस टेस्ट होता है भाइकेट अपरेटस द्वारा उसे हम लोग ज्ञात करते हैं। चौथा जो टर्म है वह टर्म है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट होता क्या है, तो सेटिंग टाइम टाइम रिक्वायर्ड व्हेन सीमेंट चेंजेस फ्रॉम जेली मतलब कि प्लास्टिक पेस्ट स्टेट टू सेमी सॉलिड स्टेट एंड फ्रॉम सेमी सॉलिड स्टेट टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। जब सीमेंट प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में और सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में पहुंच जाता है तो उसे हम सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे इंटरव्यू में हमेशा दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेंट का जो है इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब कि शुरुआती वो कितना देर में सेट कर जाएगा, और फाइनल सेटिंग टाइम मतलब कि वो कितना देर तक में लास्ट तक सेट करेगा। तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो सीमेंट का 30 मिनट होता है, एंड जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो 10 आवर होता है। तो सेटिंग टाइम के बारे में हम जान गए। अब जानेंगे हम साउंडनेस टेस्ट होता क्या है। अब साउंडनेस टेस्ट होता है मतलब कि इट इज एबिलिटी टू मेंटेन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड साउंडनेस टेस्ट। ये अपना वॉल्यूम बरकरार रखे उसे हम साउंडनेस टेस्ट कहते हैं। अब बात करते हैं हम कंप्रेसिव टेस्ट के बारे में। कंप्रेसिव टेस्ट होता क्या है, और ये मेरा लास्ट जो हम लोगों का है टर्म है सीमेंट का,
लेबोरेटरी टेस्ट का वो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कहता क्या है, व्हेन कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई ऑन ए सीमेंट क्यूब देन क्यूब फेल्ड एट 26.9 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आफ्टर 28 डेज इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। मतलब कि जब हम सीमेंट जो क्यूब होता है उस पे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करें तो उसका जो होना चाहिए वो लास्ट तक 26.9 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक फेल नहीं करना चाहिए, वो भी कितने दिन में, 28 दिन में। एंड कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन एंड यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यू टू फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट। जो कंप्रेसिव टेस्टिंग जो मशीन होता है वो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है, उससे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हम लोगों का एक छोटा सा वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गुप्ता जी सुपर फास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।